जय जय श्री राधे राधे। ये मैंने अपनी राधा रानी की 10 नंबर की ड्रेस ये रेडी करी है, तो इसमें मैं अब यहाँ पे अपना डिजाइन वर्क चालू करूँगी इस तरीके से। ये देखो हमारी ड्रेस इतनी बड़ी बन चुकी है राधा रानी की, ऐसी ऐसी फ्रॉक बन गई है। अब मैं इसमें बॉर्डर डिजाइन करूँगी, बॉर्डर लगाऊंगी मैं इस वाले कलर का, इस ऊन से बॉर्डर बनाऊंगी इस ड्रेस में। इधर पिंक और इस कलर का कॉम्बिनेशन का बॉर्डर बनेगा यहाँ पे राधा रानी की ड्रेस का। चलो मैं आपको डिजाइन बताती हूँ बॉर्डर की, कैसे डिजाइन हम बनाएंगे, ठीक है जी। हम अपना हरे रंग का धागा लगाएंगे ऊन का इधर, इस तरीके से। ऐसे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे अपना ऐसे, किस तरीके से। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 2 ये 3। ये तो हमारा, ये हमने धागा अपना चेन बनाई थी तो बंद करा इस तरीके से। इस तरीके से 3 चेन आएंगी, 1 2 3, 3 चेन आ गई है। अब हम अपना यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। एक मिनट को गलत हो गया, इस तरीके से ऐसे करेंगे। एक बार ये और हम इधर ही करेंगे ताकि हमारा ये सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें चेन बनानी है तो फिर दिक्कत ना हो चेनों में। इस तरीके से स्लिप एक हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इधर, इस तरीके से मजबूती आ गई हमारी। अब बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन हमारी इधर। वर्क को हम बंद करेंगे इधर आके, तो 3 चेन उसकी हो गई। और अब हम यहाँ पे अपने में साड़ी में चेन बनाएंगे, बताती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 आठ नौ, हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे। 3 हमारी यहाँ पे वर्क जो चालू होगा वो बंद करने के, 3 तो ये वाली चेन, 3 हमारी और होंगे चेन इसमें हमारी, ये स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। फिर हमने कितनी चेन ली, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, 9 चेन ली हमने। फिर एक और ले लेंगे 10 चेन, 10 चेन ये लेंगे। और फिर यहाँ पे चेन हम 10 लेंगे, यहाँ पे अपने 9वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपने इधर हम बंद करेंगे स्लिप स्टिच से इधर। ऐसे करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 चेन लेंगे हम अपनी। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी इधर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे करते करते अपना पूरा वर्क हम ख़त्म कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ठीक है। फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर अपनी चेन में डाल देंगे ना, ठीक है इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10, ठीक है।
फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 अपने यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच से, ओ सॉरी सिंगल क्रोशिया हम कर देंगे, फिर अपनी हम चेन लेंगे ठीक है। ऐसी हमको ये लूप बनानी है, देखो ये देखो 1 2 3 4 ऐसे सारे में ही लूप बनानी है, पूरे घेरे में हम अपनी लूप बनाते हैं। मैं पूरे घेरे के एंड में आके आपको बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है जी। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे इस तरीके से, ये देखो इधर चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। फिर आगे हमको क्या करना है, इसमें ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करना है, इधर अपनी वर्क में इधर आने नहीं, ऐसे करके इधर आने के लिए हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस जाली में आने के लिए इधर, ठीक है जी। ऐसे करके फिर बनानी है हमें एक चेन, फिर बनाना है हमको अपना डबल क्रोशिया इस तरीके से, इसमें कितने हो गए 2। पहले बनाई हमने इसमें स्लिप, अब एक सिंगल वो सिंगल क्रोशिया करा हमने, फिर हमने इसमें एक चेन बनाई, ठीक है। हमने इसमें एक चेन बनाई, फिर हमने डबल क्रोशिया करा, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, 3 हो गए, 3 डबल क्रोशिया, 3 ये 4, ये 5, 5 6 6 7 हमको करने थे 7 डबल क्रोशिया, ठीक है जी। और 2 चेन ऐसे 1 2, फिर इधर 1 2 इस तरीके से 3 4 ऐसे करके, ये देखो इधर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया, 1 1 2 3 4 5 6 7, और एक स्लिप स्टिच से हमने इधर सिंगल क्रोशिया करा और एक चेन बनाई, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया करा, 2 चेन ली, फिर इधर हमने 7 डबल क्रोशिया करा, और फिर हम इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इधर अपना, और इधर हम अपने अपने वर्क के इधर आएंगे तो इधर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से बनाएंगे हम। यहाँ पे हमने अपना सिंगल क्रोशिया करा, एक चेन लेंगे और फिर हम अपना डबल क्रोशिया करेंगे इधर इस तरीके से 7 बारी, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः एक और बनाएंगे, फिर हो जाएंगे हमारे इधर 7 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 चेन 1 2, फिर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं अपने
इस तरीके से यहाँ पे एक देखो कितने हुए, दो चार, एक दो तीन चार पाँच, दो और बनाने हैं हमको क्रोशिया अपनी। ये हो गए हमारे, देखो कितने हो गए, दो चार पाँच छ सात। यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशिया एक, इस तरीके से हमको ये डिजाइन बनाना है अपना। ऐसे ही हमें सात सात इधर इधर सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर सात बार हमें दस डबल क्रोशिया दो चेन, फिर सात बार डबल क्रोशिया यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर अपने इस वाले वर्क में आने के लिए सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर अपना पूरा वर्क इस तरीके से करते हैं हम आएंगे। ऐसे ही हमको सारे में बनाना है, फिर इधर हम सिंगल क्रोशिया फिर एक चेन इस तरीके से, फिर अपना डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे हम। ठीक है जी, हमको सारे में इस तरीके से ही बनाना है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं पूरा वर्क करके आपको एंड में मिलती हूँ। मैं अपनी वर्क की एंड में आ चुकी हूँ, मैंने सारी अपनी बना ली है सारे में ऐसे करके, इस तरीके से सारे में मेरी किनारी किनारी मैंने सब में बना ली है इस तरीके से अपनी। अब ये मेरे को दो रह गई बनाने के लिए, तो अब हम बनाएंगे इसमें ऐसे करके, ये हम अपना पूरा फिनिश कर लेते हैं। इस तरीके से अपने डबल क्रोशिया सारे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक और बनाएंगे सात, दो चेन, फिर सात क्रोशिया बनाएंगे डबल, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात। ठीक है जी, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात, सात और एक अपना सिंगल क्रोशिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे आ जाएंगे अपने सिंगल क्रोशिया करेंगे एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरीके से अपना वर्क हम पूरा एंड में आ जाएंगे वर्क के। एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमें एक और करना है अपना डबल क्रोशिया, सात सात, दो चेन, एक दो, फिर डबल क्रोशिया, सात बारी करने हैं हमको यहाँ पे। इस तरीके से हम अपने वर्क को पूरे एंड में आ गए हैं, ख़त्म करेंगे इधर।
चार, पाँच, छः, एक सात, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से करके फिर हम अपने यहाँ पे डबल क्रोश इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे बंद करेंगे ऐसे करके। तरीके से ठीक है जी। अब हम अपने दूसरा कलर ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे पिंक कलर, ये इसमें फ्लावर बनाने के लिए अपने वर्क के एंड में आ गए। हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर दिया अपना, इसको हम ऐसे कर देंगे, खुला छोड़ देंगे अभी ठीक है जी। हमें लगाना है बाद में ये धागा, तो हम एडजस्ट करेंगे बाद में इसको। और अभी हमें बनाना है इस पिंक वाले थ्रेड से इस तरीके से हमको हमें यहाँ पे अपना पिंक वाला हम ये अपना धागा जोड़ देंगे इस तरीके से एक बार। और ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया ठीक है जी, इस तरीके से ठीक है ना। अब फिर हम यहाँ पे लेंगे एक चेन, अब फिर यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे करके, ये हमें इस तरीके से बनाना है ठीक है। डबल क्रोशिया हमें पूरा नहीं करना है, ये छोड़ देना है, एक लूप हमें छोड़ देनी है। ऐसे हम लेंगे इस तरीके से, ये दो लूप निकाल देंगे और एक छोड़ देंगे ऐसे ठीक है। फिर हमने लिया डबल क्रोशिया बनाना है इसी होल के अंदर ऐसे करके, फिर से हमें ये छोड़ देनी। कितने हो गए हमारे, एक, ये दो, तीन, फिर ये चार, चार हो गए और ये पांच। हमको ऐसे ही अपने पांच बारी कर लेना है ऐसे करके। ये देखो एक तो हमारा था इसमें ठीक है जी। फिर हमें कितने करने हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच। हमने पांच बार बना लिया और एक हमारे से में था चेन का, तो ये होगा छः। फिर ऐसे करके हमको इसमें इस तरीके से देखो ऐसे निकाल लेना है अपना ठीक है जी, ऐसे करके। और फिर यहाँ पे बना लेनी है एक चेन ऐसे करके, फिर यहाँ पे हम अपना एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से ही आ जाएगा डिजाइन हमारा ठीक है ना। ऐसे हमें सारे में करना है। अब यहाँ बनाएंगे चेन, एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ, नौ, 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 नौ ही ठीक है, नौ करूँ या दस। हम दस चेन हमने यहाँ पे बनाई थी, दस दस चेन हम यहाँ पे भी बनाएंगे।
10 मत करना, 8 चेन करना। कितनी हो गई हमारी चेन देखो, दोबारा से बताती हूँ आपको, 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8। ये हमने 8 चेन बना ली, 8 चेन बना के हम अपने इधर आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से अटैच करा इसको इस तरीके से। ठीक है जी, ऐसे हमने अटैच किया और यहाँ पे बनाया एक चेन। ये इमरजेंसी कॉल आ रहा है क्या? देखिए ना उसका दिखाओगी, बहुत अच्छे से दिख रहा है और कैसे दिखेगा तेरे को ये? नंबर आ रहा है मुझे क्या पता? उठा के बात करो। क्या हुआ? रोना आ गया। चुप हो जा। एक चेन लेंगे हम, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करा, एक चेन लिया, फिर से हम वही लूप बनाएंगे अपने सारे में ऐसे डबल क्रोशिया करके इस तरीके से, ऐसे करके। एक बार हो गया, ये दो बार, ये दो लूप निकाल लेंगे। पूरा हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इस तरीके से आधा क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया, हम अपना पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे डबल क्रोशिया अपना। ठीक है जी, ये 3, 4, ये हमारा 5, इस तरीके देखो। एक तो ये हमारी चेन थी, 2, 4, 5। ठीक है, फिर इसको हम इस तरीके से ऐसे करके अपना निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन, ठीक है जी, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से ये हमारा बन गया। फिर यहाँ बनाएंगे हम चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन बना के अपने यहाँ पर स्लिप स्टिच से इधर ऐसे बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, फिर अपना क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया आधा बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे ही बनाना है हमको डबल क्रोशिया इस तरीके से। ऐसे करके, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, समझा रही हूँ जो मैं आपको जी, इस तरीके से 3 हो गए, 4 कितने हो गए, 4, एक और ये हो गए 5। ठीक है, एक हमारी चेन, ये 2, 4, 5, ऐसे करके अपना निकाल लिया, एक चेन बना ली, फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, ये हमारा बन के रेडी हो गया। फिर यहाँ चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन बना के फिर हम अपने यहाँ पे लगाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन, फिर सिस्टम फिर से वही करेंगे इस तरीके से, ऐसे लुक किया हमने, फिर ऐसे करा हमने, फिर निकाला अपना पूरा क्रोशिया नहीं बनाना आपको डबल इस तरीके से। ये दो लूप निकाल के तीसरी लूप हमारे उसमें ही रहेंगी क्रोशिया में, इस तरीके से। ठीक है जी, ऐसे आपको बनाना है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको समझाना चाहती हूँ जो, 2, 4, 5, 1, 6 हमारा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको निकाल लो, फिर इधर ऐसे कर दो, फिर इधर सिंगल क्रोशिया,
इसे भी। इस तरीके से ये चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया है ना, फिर चेन एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात आठ, आठ में आके फिर अपने हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर टक करेंगे इसको। ये चेन हमारी बीच में इधर जो हमने बनाई थी इसमें ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ। देखो इस तरीके से ऐसे हमारा ये डिजाइन बनेगा ऐसे करके, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा डिजाइन बनते हुए आएगा। फिर हम आगे का डिजाइन बताएंगे कैसे बनेगा इसमें। हम अपना पूरा राउंड करके पूरे वर्क अपने पूरे फ्लावर में हम ऐसे ही पूरे में सब में अपने ये बनाते हुए आएंगे। इस तरीके की डिजाइन बैक साइड से ही इस तरीके से है, फ्रंट से ऐसे है ये, ठीक है। पूरे में बनाते हुए आते हैं राउंड अपना करके, फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है इसमें। हम अपने वर्क के एंड में आ चुके हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। देखो इधर इधर हमको अटैच करना है इधर ऐसे करके, यहाँ पे अपना ऐसे अटैच कर देना है इसको, ठीक है जी। ये हमारी सारे में इस तरीके से बन चुके हैं फ्लावर। आगे का डिज़ाइन बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। अब ये वाला धागा हम यहीं पे बंद कर देंगे अपना इस तरीके से। टूटा ही नहीं है तो ये हम अपने हमने धागा काट लिया है। अब हम यहाँ पे अपने इस तरीके से हम इसको इसमें घीट लगा देंगे धागे में। ये हमारा रेडी हो, ये पूरा हमारा टर्न बन गया है, ठीक है जी। अब हम अपने ग्रीन वाला धागा अटैच करना है इधर जो मैंने यहाँ पे अपना ग्रीन धागा छोड़ा था। हमें उसका क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। हमने अपना स्लिप स्टिच बंद किया था, हमारा खुल गया है यहाँ से। यहाँ पे हमें इसको अटैच करना था, इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से ऐसे करना था हमको, ठीक है जी। धागा लगाएंगे इस तरीके से, हम यहाँ पे अपना ग्रीन धागा लगाएंगे जो हमारे धागे कटे हैं इनको इनको साथ में लेके चलेंगे। इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ग्रीन धागा लगा के हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया अपना ऐसे। और यहाँ पे हम अपना एक चेन बनाएंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पे इस तरीके से सात डबल क्रोशिया दो चेन करेंगे ऐसे करके। इस तरीके से हम अपना वर्क करेंगे, देखो
इस तरीके से अपनी पूरे में हम अपना 60 डबल क्रोशिया करेंगे एक साइड में। कितने हुए हमारे क्रोशिया? तीन, चार, ये हो गए, पांच, छः, ये सात। इस तरीके से फिर दो चेन, एक दो, फिर सात डबल क्रोशिया अपना। इस तरीके से हमें क्रोशिया कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके इस तरीके से देखो, जैसे हमने यहाँ किया था अपना, वैसे हमें यहाँ करना है, ठीक है। सात इधर क्रोशिया, सात इधर, बीच में दो चेन, इस तरीके से। और इधर आने के लिए हमको बैक साइड से ऐसे करना है, इधर आने के लिए इस तरीके से हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया हमने इधर किया, और इधर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। ये सात बार इस तरीके से हमें करना है। कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः, छः, ये सात, सात, एक, दो, दो चेन, फिर यहाँ पे मैं अपना डबल क्रोशिया। दो चार पाँच छः, ये सात, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें पूरा कर लेने से, हमने यहाँ पे किया था सेम हम अभी यहाँ पे करेंगे। और ऐसे कलर के फ्लावर आपको पिंक कलर के बना लो, जो भी आप दो कलर लगाओगे उस कलर से, जो कलर आपको अच्छा लगता हो। तो ये हमें ऐसे इस तरीके से बनाना है हमको इसको। तो हम मैं आगे ये अपना पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ आगे। ये मेरी लाड़ू की ड्रेस की डिज़ाइन पूरी बन के रेडी हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था वैसी ड्रेस इसमें डिज़ाइन बनानी थी हमको सारी, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने छः नंबर लड्डू गोपाल जी में भी ये डिज़ाइन डाली हुई है ड्रेस में।
वैसी बताया है, सेम 6 नंबर लड्डू वाली बनी है, वैसी डिजाइन ये है। बस चेन का थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, छोटे वाले में कम चेन पड़ी हुई है और कम डबल क्रोशिया बना हुआ है, और बड़े वाले में ज़्यादा डबल क्रोशिया बना हुआ है, कम चेन ज़्यादा चेन बनी हुई है, बस यही फ़र्क है। बाकी सब सेम ही है, डिजाइन भी सेम है, कलर भी सेम है। ऐसे मैंने अपनी राधा रानी की ड्रेस बनाई। यहाँ पे मैंने अपनी राधा रानी की ड्रेस में ये फ्लावर भी बना के लगा दिया है। मैंने फ्लावर की वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है जी। और ये मेरी लाडो की पूरी फ्रॉक इस तरीके से बन के प्यारी सी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी फ्रॉक मेरी लाडो की बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही है। अब मेरी लाडो देखते हैं कब पहनती हैं, जो मेरी लाडो को पसंद आएगी मेरी लाडो पहनेंगी, तब पूरे मैं ऐसी किनारे डिजाइन भी बॉर्डर बनाए मेरी राधा रानी की ड्रेस में इस तरीके से। देखो फुल ड्रेस ऐसे, ये मेरी लाडो की ड्रेस है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कैप बनाऊंगी लाडो की अपनी की, तो आपको कैप बनाना बताऊंगी। बहुत सुंदर ड्रेस है मेरी लाडो की, रेडी हो गई है। ये मेरी लाडो की ड्रेस है, बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत अच्छा घेरा है मेरी लाडो की ड्रेस का। और इस तरीके से ड्रेस रेडी पूरी हो गई है, अब हमको लाडो की टोपी बनानी है, ठीक है जी। ये ड्रेस पूरी बन के रेडी हो चुकी है इस तरीके से। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय जय श्री राधे राधे। मेरे चैनल पर नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय जय श्री राधे राधे। और जी जिसने भी ड्रेस